ब्रोकली आलू की स्वादिष्ट रेसिपी बनाने के लिए अगर आप इस मेथड को अपनाएंगे तो मेरा दावा है आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय पाड़ी, कुकिंग चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो फिर देरी किस बात की, चलो करते हैं शुरू। ब्रोकली आलू की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ब्रोकली ली हुई है और 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। दोस्तों, एक पैन में ब्रोकली और आलू को एक साथ डाल दें, 1 से 1.5 गिलास इसमें वाटर का डालें और साथ में आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट की डालनी है। इससे हमारी ब्रोकली और आलू अच्छी तरह से वॉश भी हो जाएंगे दोस्तों और हल्का कुक भी हो जाएंगे। आप फ्राइड भी कर सकते हैं और इस तरह से आप बॉइल भी कर सकते हैं, दोनों मेथड अपना सकते हैं। यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक बाउल मैंने कर्ड का लिया है, थिक कर्ड है, साथ में टमाटो को कस किया हुआ है, प्याज को फाइन चॉप किया है, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट कुंडी में बनाया, हरी मिर्च है और हरा धनिया बहुत सारा है। 2 से 3 टेबलस्पून आप मस्टर्ड ऑयल के लें, साथ में मस्टर्ड सीड्स और खड़े मसाले डालने हैं दोस्तों, कोरिएंडर सीड्स और साथ में रेड चिली आपने डालनी है, फिर खड़े मसालों को थोड़ा तड़कना है आपने, साथ में फेनल सीड्स और क्यूमिन सीड्स आपने डालना है फ्लेवर के लिए, बहुत बेहतर फ्लेवर आता है। खड़े मसालों को अगर आप अच्छी तरह से तड़केंगे तो इनका पूरा फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा, जो खाती बार आपके मुंह में बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा दोस्तों। साथ में ही आपने चॉप किए हुए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देना है, थोड़ा स्टर करना है, अच्छी तरह से आप जिंजर गार्लिक को स्टर करें और पूरा फ्लेवर ऑयल में लें दोस्तों। साथ में यहाँ पर फेनल सीड्स और कैरम सीड्स का प्रयोग आपने करना है, इनका फ्लेवर भी बहुत बेहतर आता है सब्जी में दोस्तों। मैं इनका इस्तेमाल जरूर करता हूँ कोई भी दाल सब्जी बनाने में। यहाँ पर थोड़ा सा हींग का प्रयोग करें आप, हींग से बहुत बेहतर फ्लेवर आता है। खड़े मसाले हमारे अच्छी तरह से तड़क गए हैं तो अब चॉप किए हुए प्याज को उढ़ेल दें, प्याज को अच्छी तरह से स्टर करें, कुक करना है। जितना आप मसालों और प्याज को अच्छी तरह से कुक करेंगे उतना ही बेहतर स्वाद फिर आप अपनी सब्जी में ले पाएंगे दोस्तों, तो अच्छी तरह से स्टर करें। साथ में यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी डालें, 1 टेबलस्पून गर्म मसाला डालें और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर डालें, फिर पाउडर मसालों को स्टर करें, इनका भी पूरा फ्लेवर आपने ऑयल में लेना है दोस्तों। बेहतर तरीके से आप अपना तड़का बनाएं तो आपकी सब्जी भी उतनी ही बेहतर बनेगी और खाने में भी फिर बहुत लाजवाब लगेंगी। साथ में टमाटो का प्रयोग यहाँ पर कर दें, 1 टेबलस्पून सॉल्ट की डालें, सॉल्ट आप स्वादानुसार रख सकते हैं। फिर स्टर करना है आपने टमाटो को अच्छी तरह से और टमाटो को हम 1 से 2 मिनट के लिए लीड से कवर करके भी कुक करेंगे, इससे हमारे टमाटो अच्छी तरह से गल जाएंगे दोस्तों और ऑयल को भी रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर लीड से कवर करके हमने कुक किया। यहाँ पर थिक कर्ड का प्रयोग आपने कर देना है, कर्ड को आपने बेहतर तरीके से कुक करना है, अपने हाथ को चलाना है, कर्ड को आपने फटने नहीं देना है दोस्तों। अगर आपकी कर्ड फट गई तो फिर वो पूरा टेस्टी सब्जी का बदल जाएगा, तो इसलिए अपने हाथ को चलाएं और कर्ड को अच्छी तरह से स्टर करें जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता तब तक। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कर्ड अच्छी तरह से कुक हो गई है और काफ़ी थिक भी हो गई है, ऑयल जो अजर्ब कर्ड ने किया था उसको भी रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर हम पोटैटो का प्रयोग कर देंगे, हमने पोटैटो को बॉइल भी किया है दोस्तों, अब स्टर करें अच्छी तरह से। पोटैटो को आपने मसाला लगाना है और कर्ड के साथ कुक करना है, एक बेहतर रेसिपी बनती है इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी हमारी कितनी थिक लग रही है और आलू भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं। थोड़ा सा वाटर का प्रयोग यहाँ पर आलू को कुक करने के लिए करें, आलू हमारे 70% कुक है, इनको हमने 100% कुक करना है। फिर हम ब्रोकली के साथ भी आलू को कुक करेंगे, लीड से कवर करके कुक करें आलू को। यहाँ पर देख सकते हैं आलू हमारे अच्छी तरह से कुक हो गया है, तो हम बॉइल की हुई ब्रोकली को हम डाल देंगे, ब्रोकली हमारी पहले ही कुक हो गई है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे, पहले मसाला अच्छी तरह से आपने ब्रोकली को लगाना है ताकि पूरा मसाला आलू और ब्रोकली में रच जाए। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट हमारी ब्रोकली और आलू की सब्जी कुक हो गई है। अगर आपको यहाँ पर तरी ज़्यादा लग रही होगी तो आप और पका लें इसको और थिक कर लें तरी को, मैं तो इतनी ही तरी रखूँगा। साथ में इसे सर्व कर देंगे अब हम दोस्तों, अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर ब्रोकली और आलू की रेसिपी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और आप इसे गर्मा गर्म चपाती, चावल, नान, परांठा, रोटी के साथ खा सकते हैं दोस्तों।
ब्रोकली और आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें दोस्तों, और आप किस तरह से ब्रोकली और आलू की रेसिपी बनाते हैं वो भी जरूर लिखें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकॉन को भी दबाएं। धन्यवाद।